नमस्कार छात्रों, आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है विमुद्रीकरण और जीएसटी के ऊपर। तो आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, होता क्या है, कोई भी जो देश है उसमें विकास कार्य कोई भी सरकार कैसे करती है, वो टैक्स कलेक्ट करके करती है, टैक्सेस लेके करती है। तो हमारे जो टैक्स होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष कर, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें अपनी आय पर देने होते हैं, जैसे कि आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, उपहार कर हो गया आदि। और दूसरे जो होते हैं हमारे अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जो कि हिडन होते हैं कई बार, कि हमको जो है, हम जब कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस खरीदते हैं तो उस पर हमको देने पड़ते हैं। जैसे हमारा जो है कस्टम ड्यूटी पहले चलता था, एक्साइज ड्यूटी, जो कोई प्रोडक्ट है उसका उत्पादन होता था उस पर दिया जाता था, मनोरंजन कर दिया जाता था जब हम किसी मूवी को देखने जाते थे, या लग्जरी टैक्स दिए जाते थे। तो ये जो है हमारे अप्रत्यक्ष कर की जो है कैटेगरी में आते हैं। अब जुलाई 1 यानी 2017 को भारत सरकार जो है एक नया जो है रिफॉर्म लाई, जिसको उन्होंने जीएसटी यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में जाना गया। इसका उद्देश्य था कि ये जो इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, हमारा मनोरंजन कर था, लग्जरी टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी था, इन सबको हटा दिया जाए और इनकी जगह जो है केवल एक जीएसटी अप्लाई किया जाए। तो इसका जो हमारा उद्देश्य था वो था एक राष्ट्र एक टैक्स, यानी कि हमारा जो देश है उसमें संपूर्ण रूप से एक ही टैक्स होना चाहिए, यही इसका एकमात्र उद्देश्य था। तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन तभी हुआ था। अब आगे ये हम देखते हैं जीएसटी कितने प्रकार का होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो जीएसटी है वो सामान्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, दूसरा होता है सेंट्रल जीएसटी, तीसरा होता है यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और चौथा होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। चलिए इन चारों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पहला अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई जो है सामान है, माल है, कोई हमारा प्रोडक्ट है, उसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और वो उत्तर प्रदेश में ही बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर हमारा जो जीएसटी लगेगा उसके दो कंपोनेंट होंगे। पहला होगा स्टेट जीएसटी और दूसरा होगा सेंट्रल जीएसटी। सपोज करते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई पेन है, उसका जो मैन्युफैक्चर है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, 100 रुपए का पेन है, उस पर 18% जीएसटी लगा है। तो यानी 18% जो है उसके दो कंपोनेंट होंगे, जिसमें से 9% स्टेट जीएसटी होगा और 9% जो है वो सेंट्रल जीएसटी होगा। तो इस तरीके से हमारा ये चलता है। अब अगर हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट है वो स्टेट में ना होके यूनियन टेरिटरी में उसका उत्पादन होता है, यूनियन टेरिटरी आप जानते ही हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, तो उसमें अगर उसका उत्पादन होता है तो स्टेट जीएसटी का नाम बदल के यूनियन टेरिटरी जीएसटी हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। यानी जो 18% है उसमें से 9% यूनियन टेरिटरी जीएसटी होगा और 9% उसमें सेंट्रल जीएसटी होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा आता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। देखिए, इसको थोड़ा सा समझना आवश्यक है। अब क्या होता है, हम यहां पे बातचीत कर रहे हैं किसी सामान की। अब जो वो वह कोई सामान है उसका जो उत्पादन है, सपोज करते हैं वो गुजरात में होता है लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में लाके बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगता है, जब कोई आपका माल है उसका उत्पादन तो किसी एक राज्य में होता है लेकिन उसकी जो बिक्री है वो दूसरे राज्य में होती है, तो इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें जो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो उस स्टेट को मिलेगा जहां पे जो है सामान की बिक्री हो रही है। यानी इसको दोबारा से हम लोग समझ लेते हैं, हमारा कोई सामान गुजरात में बना है उसको हम उत्तर प्रदेश में आकर बेच देते हैं, तो उस पे जो टैक्स लगेगा आईजीएसटी लगेगा, और वो आईजीएसटी जो है
वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सपोज करो वो आईजीएसटी चला गया, अब उस आईजीएसटी में से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना हिस्सा रख लेगी, यानी आईजीएसटी में से अपना जो हिस्सा है यानी सीजीएसटी वो अपना निकाल लेगी, और जो बचा हुआ टैक्स है यानी जो करीब हाफ जो हमारा टैक्स है वो उस राज्य को दे देगी जहां पर सामान जाकर बिका था, यानी कि इस स्थिति में जो आपका टैक्स है वो उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का जो है दो राज्यों के मध्य विवाद नहीं होगा। अब इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका सबसे बड़ा लाभ हमारा ये है कि इसमें दोनों ही राज्यों को लाभ मिलेगा। भाई पहले राज्य में जहाँ पे आपका फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ पे रोजगार मिलेंगे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। दूसरा जो राज्य है जहाँ पे वो सामान की बिक्री हो रही है वहाँ पे टैक्स का कलेक्शन होगा, तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो इसी वजह से हम कई बार आईजीएसटी को जो है वो डेस्टिनेशन जीएसटी भी बोलते हैं, यानी गंतव्य जीएसटी भी बोलते हैं, जहां पर सामान बिकता है वहीं पर ही टैक्स जो है उसी राज्य को दिया जाता है। तो ये हमारा जीएसटी के प्रकार हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा आता है कि जीएसटी कहाँ लागू होता है। देखिए कई उदाहरण हम आपको दे सकते हैं जहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में यानी वित्तीय वर्ष में जो है किसी जो दुकानदार है उसका जो कारोबार है वो आपका 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी उसका जो रिवेन्यू है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आपका जो व्यापार है एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो उस स्थिति में भी आपको जो है जीएसटी देना पड़ेगा। तीसरा जो है इंटरमीडिएटर जो होता है, यानी सपोज करते हैं मान लीजिए कोई सामान है, कोई पेन है, उसका उत्पादन होता है फैक्ट्री में और वो दुकानदार के पास जाता है, लेकिन बीच में हमारे मीडिएटर होते हैं यानी कि हमारा जो है रिटेलर होगा, होलसेलर होगा, तो उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा। इसके बाद जीएसटी उस व्यक्ति को भी देना पड़ेगा जो भारत में व्यापार कर रहा है, भारत में अपने सामान का आयात व निर्यात कर रहा है परंतु भारत में नहीं रहता है, तो उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा। इसके बाद जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो उनको भी जीएसटी देना होगा। और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के माध्यम से जो मीडिएटर होते हैं जो अपना जो है बिजनेस करते हैं उनको भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने समझा है कि किस किस स्थिति में कहाँ कहाँ हमें जीएसटी देना पड़ेगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। देखिए कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जो हमारा पहला जो सिस्टम था उसमें क्या होता था, ये बड़े ध्यान से हम लोगों को समझना चाहिए। उसमें क्या होता था, उसमें जो है टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। मान लीजिए कोई सामान है उसका उत्पादन हुआ है तो पहले मैन्युफैक्चरर टैक्स देगा, उसके बाद होलसेलर टैक्स देगा, उसके बाद रिटेलर टैक्स देगा और फिर कंज्यूमर टैक्स देगा। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, इसकी वजह से जो आपका कमोडिटी है, सामान है, उसका जो मूल्य है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन जो जीएसटी है इसमें इस व्यवस्था को जो है लगाम लगाने की प्रयास किया गया है। देखिए इस जो कंसेप्ट है हम इसको आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर हमने कंपैरिजन किया है ओल्ड सिस्टम का और न्यू जीएसटी सिस्टम का। आप देख सकते हैं पहले हम ओल्ड सिस्टम को समझने का कोशिश करते हैं जो लेफ्ट साइड पर हमारा शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अब जो कार मैन्युफैक्चर है उसने 20% अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया तो उसका जो कार का यहाँ पे कॉस्टिंग आ गया वो आ गया हमारा 3 लाख रुपीस। अब उस पर एक्साइज ड्यूटी जो है गवर्नमेंट ने लगाया और वो 10% हम सपोज करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो वो 30,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी लग गया और यहाँ पे जो आपका टोटल कॉस्टिंग आ गई टैक्स लगने के बाद में वो आ गया हमारा 3,30,000 रुपये। अब उसके बाद जो है उस पर वैल्यू एडेड टैक्स भी लगा तो उसका जो कॉस्टिंग बढ़कर आ गया वो हो गया हमारा 3,63,000 रुपये। तो ये हमारा पहला सिस्टम था, ये हमारा ओल्ड रिजीम था। अब जो है हमारा न्यू रिजीम आया है जिसको हम जीएसटी रिजीम के नाम से जो है जानते हैं, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए कार का मैन्युफैक्चरिंग था, उसके बाद 50,000 रुपए दोबारा से जो है उसने प्रॉफिट ऐड कर लिया, यहाँ पे कॉस्टिंग हमारा 3 लाख रुपीज आ गया। अब एक्साइज ड्यूटी दोबारा से जो पहले लगता था अब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है तो वो जीरो हो गया, तो कॉस्टिंग हमारी
3 लाख रुपए रही। दोबारा से वैट जो है उसको भी जीएसटी ने हटा दिया, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो कॉस्टिंग इसकी 3 लाख रुपए ही रही। अब फाइनल जो हमारा अमाउंट है उस पर हम 20% जीएसटी लगा देते हैं, तो कार की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, 3 लाख का 20% यानी 60,000 आप इसमें और ज़्यादा जोड़ दीजिए और इसकी कॉस्टिंग हो जाएगी 3,60,000 रुपीज़। पहले केस में ये 3,63,000 रुपीज़ होती थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,000 रुपये जो है वो कंज्यूमर के बच रहे हैं। तो कहने का मतलब है टैक्स पर जो टैक्स लगता था उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से जो सामान है कमोडिटी है उसका जो मूल्य है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद इस पर नियंत्रण होगा ऐसे जो है सरकार ने उम्मीद जताई है और कंज्यूमर के पैसे जो है बचने वाले हैं। तो ये इसका एक लाभ है जो कि हमने इसके द्वारा देखा है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा आता है कि जीएसटी का कितना कैटेगरी है। जीएसटी की जो है जनरली 5 कैटेगरी गवर्नमेंट ने इनिशियली डिसाइड की थी। 0% कैटेगरी जीएसटी में आता था जो सामान बेसिक नीड का है, जैसे आपका फल हो गए, ताज़ा सब्जी हो गई, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 5% जीएसटी जो है, जैसे आपका जो है मसाले हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जो थोड़ा सा आवश्यकता की चीज़ें हैं उस पर गवर्नमेंट ने लोएस्ट जीएसटी लगाया, यानी 5% जीएसटी के स्लैब में रखा। तो उसके बाद हमारा 12% जीएसटी जिसमें हमारे प्रोसेस्ड फूड्स आ गए, जैसे हम चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, ये सब 12% जीएसटी की जो है श्रेणी में आ गए। उसके बाद 18% जीएसटी में क्या आया, 18% जीएसटी में जैसे हमारा मोबाइल फोन्स आ गए, हमारा रेफ्रिजरेटर्स आ गए, जो एक मध्यम श्रेणी का जो व्यक्ति है जो उसको खरीदता है वो 18% जीएसटी की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो सबसे हाई जो जीएसटी का दर था वो था 28%। इसमें जो है हमारे लग्जरियस आइटम आ जाते हैं, जिसमें मेनली जो है लग्जरी कार्स आ गए, एयर कंडीशनर आ गए, ये सब इसमें आ गए। अब गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी से बाहर रखा था आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आपका जो है शराब को, क्योंकि वो गवर्नमेंट का जो है ज़्यादा रिवेन्यू का साधन है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जीएसटी से उसको बाहर रखा था। ठीक है, तो ये जीएसटी की हमारी कुछ कैटेगरीज थी। इसके बाद जीएसटी के लाभ के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए जीएसटी का बहुत ही अधिक लाभ है। जीएसटी में सबसे पहले जो हमारा चीज डिस्कशन की आती है वो आता है टैक्स क्रेडिट सिस्टम। देखिए होता क्या है, जीएसटी में टैक्स क्रेडिट सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब मान लीजिए कोई सामान है वो हमारा जो है उत्पादक द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, अब उसके ऊपर जो है उत्पादक ने कुछ टैक्स दिया है, अब उत्पादक ने जो है वो सामान जो है होलसेलर को दे दिया। अब सपोज करें उत्पादक ने 50 रुपये टैक्स भरा था, अब होलसेलर ने 100 रुपये टैक्स दिया है, अब होलसेलर ने जो है रिटेलर को वो सप्लाई किया, रिटेलर ने भी वो टैक्स दिया है, और उसके बाद कंज्यूमर के पास वो सामान चला जाता है, ये हम सपोज करते हैं। अब देखिए जीएसटी में क्या होता है, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम हमारा आता है। 50 रुपये जो उत्पादक ने टैक्स पहले दे दिया था, है ना, जो पहले दे दिया था, अब जो है होलसेलर को 100 रुपये टैक्स देना था, तो उसे 100 रुपये जो टैक्स उसने दिया उसमें से 50 रुपये उसके वापस आ जाएंगे, यानी टैक्स जो है वो उसका वापस आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। इसी तरीके से रिटेलर को जो है 200 रुपये टैक्स देना था, अब उसने 200 रुपये टैक्स दे दिए, लेकिन उसमें से 100 रुपये उसके वापस आ गए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में। तो यानी इसमें जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में जो है आपका जो पैसा है वो वापस आ जाता है। तो ये एक सुविधाजनक प्रणाली है। तो पहला हमारा ये है कि इसमें टैक्स क्रेडिट सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जो काफ़ी बेनिफिशियरी सिस्टम है। अब इसमें एक हमारी चैन बन जाती है। नेक्स्ट जो है जीएसटी का लाभ होता है वो ये होता है कि इसमें जो है टैक्स रेट पर मनमानी नहीं चलती। जैसे पहले क्या है, अलग अलग स्टेट्स थे, उसमें जो है हर जो स्टेट है वो अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगा देता था, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, लेकिन जीएसटी आने के बाद एक देश में एक टैक्स चलने लग गया, और आपके जो पुराने टैक्स थे जैसे एंट्री टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है। तीसरा ये है कि जो प्रक्रिया है ये संपूर्ण रूप से ऑनलाइन चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि जो आपका सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन होगा, उसमें जो है चैन से चैन जुड़ी हुई है। भाई जो रिटेलर है उसको अपना पूरा जो है शो करना पड़ेगा, उसकी चैन जुड़ी हुई है होलसेलर से, उसको अपना प्रॉपर्टी जो है टैक्स को शो करना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन चैन सिस्टम के आधार पर चलती है, तो कहीं से भी इसमें जो है किसी भी प्रकार की घपलेबाजी की संभावना
नहीं है। नेक्स्ट, हमने पहले जो पॉइंट है इसमें उपभोक्ता के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, इसमें उपभोक्ता को बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, जो हमारा फाइनल उपभोक्ता है उसको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले कि उसमें 3,000 रुपये जैसे हमारे कार पर बचे थे, वो एक एग्जाम्पल था, लेकिन उपभोक्ता के लिए ये लाभकारी है। नेक्स्ट है, इसमें उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगी। जब पूरे देश में हर स्टेट में टैक्स जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ईजी हो जाएगी। तो ये है, अब मैंने आपको बताया था कि ये एक देश एक टैक्स वाला कंसेप्ट है जो हमारा जीएसटी है। अब इसमें क्या होता है, जब एक टैक्स हो गया तो आपका एक जो टैक्स की स्ट्रक्चरिंग है वो भी इजी हो गई, और सरकारी जो विभाग है उसका जो खर्च है वो भी हमारा जो है घट जाता है। तो ये हमारे जीएसटी का लाभ है। तो ये हमने जीएसटी के लाभ समझे हैं और जीएसटी काफी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विमुद्रीकरण। देखिए, विमुद्रीकरण क्या, जिसको इंग्लिश में डिमोनेटाइजेशन भी बोला जाता है, क्या होता है? देखिए, ये वो प्रक्रिया है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो एक जो करेंसी है उस पर एकदम से उसको इनवैलिड टेंडर घोषित कर देती है। मतलब आप उस करेंसी का यूज किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने के लिए नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 8 नवंबर 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर जो है डिमोनेटाइज किया था करेंसी को, 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगा दिया था, यानी वे लीगल टेंडर नहीं रहे थे। तो इस प्रक्रिया को जो है विमुद्रीकरण कहा जाता है। अब विमुद्रीकरण की अगर हम बात करें, अब हमसे पूछा जाता है कि क्या 2016 में ही पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था, तो हमारा जवाब है नहीं। 2016 ऐसा पहला साल नहीं था जिस समय विमुद्रीकरण हुआ था, इससे पहले भी भारत में विमुद्रीकरण हो चुका है। अगर हम देखते हैं 1946 में जो है सबसे पहले विमुद्रीकरण भारत में हुआ था, जब 1000 और 10000 के नोटों को बैन कर दिया गया था। उसके बाद 1954 में दोबारा से 1000, 5000 और 10000 के नोट लाए गए, लेकिन मोरारजी देसाई जी ने जो है 1978 में 1000, 5000 और 10000 के नोटों को दोबारा से बैन कर दिया गया। और उसके बाद थर्ड टाइम जो हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो तो आप सब लोगों की जानकारी में है, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो है 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया गया था। तो यानी भारत में पहले भी डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। अब डिमोनेटाइजेशन जो गवर्नमेंट है वो क्यों करती है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या लाभ हैं, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। भाई, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी करना। जब हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि इससे जो ब्लैक मनी है वो सारी बाहर आ जाएगी, और गवर्नमेंट कहती है कि जितना भी आपका ब्लैक मनी है आप उसको अनाउंस करके उस पर टैक्स दो, इससे टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, सन 2013-14 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें करीब 6,38,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स का कलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके 4 साल बाद जो टैक्स कलेक्शन था वो बढ़ के करीब 10,00,000 करोड़ रुपए हो गया। तो ये टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दूसरा जो है डीमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है ब्याज दरों में काफी कमी आ जाती है। कारण क्या है, देखिए होता क्या है, जब डीमोनेटाइजेशन होता है तो लोग अपने घरों का पैसा निकाल के बैंकों के पास ले जाते हैं, बैंकों के पास जो है कैश फ्लो बढ़ जाता है, पैसा बढ़ जाता है। जब बैंकों के पास जो है पैसा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम ब्याज दर पे होम लोन या जो दूसरे ऋण हैं वो उपलब्ध करा पाएंगे। तो दूसरा हमारा ये है कि इसमें ब्याज दरों में कमी आ जाती है। तीसरा, जो अर्थव्यवस्था है वो सुगम हो जाएगी। जब बैंक जो है वो कम ब्याज दरों पे आपका लोन प्रोवाइड कराएंगे तो इससे जो है बिजनेस स्टार्टअप्स को गति मिलती है और अर्थव्यवस्था जो है इससे सुगम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है आपराधिक गतिविधियों में कमी आती है। देखिए, आपराधिक गतिविधियों में जो फंडिंग होती थी वो जनरली ब्लैक मनी के द्वारा होती थी, जिस पे टैक्स नहीं दिया जा सकता था। तो अब जब ब्लैक मनी ही नहीं रहेगी तो आपराधिक गतिविधियां कहां से होंगी। नेक्स्ट है हमारा सुरक्षित और डिजिटल लेनदेन होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो है डीमोनेटाइजेशन के बाद में जितना भी हमारा लेनदेन होता है वो डिजिटल करेंसी के द्वारा होता है, उसमें आपको कैश कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप कैश नहीं कैरी करोगे तो आप बड़ी ही सेफ्टी के साथ अपना ट्रांजैक्शन को कर पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था, कि नकली नोटों में कमी आ जाएगी, कि भाई नकली नोट जो है उनमें कमी आ जाएगी
और ये भी उसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट हमने इसकी बात करी ली है कि भाई टैक्स चोरी जो है वो रुकेगी। इसके अलावा एक लाभ हमारा ये है कि लोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ पाए, उन्होंने जनधन खाते खोले, तो उससे क्या होगा, लोगों ने अपना जो पैसा है वो बैंकों में जमा कराया, तो उससे क्या हुआ, लोगों की जो है एक बैंकिंग प्रणाली में जो है लोगों का सहभागिता बढ़ गई। नेक्स्ट हमारा है विकास कार्यों में वृद्धि होती है। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली बात है वेलफेयर स्कीम्स जैसे सड़कों को बनाना और आपका जो है जल आपूर्ति, इन सब की जो व्यवस्था है उनमें सुदृढ़ता हो पाती है। नेक्स्ट है समांतर अर्थव्यवस्था का खात्मा। मतलब होता क्या था बेसिकली कि जैसे एक इकोनॉमी है जो व्हाइट इकोनॉमी है जिसमें लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उस टैक्स का यूज करके लोगों को साथ में जो है विकास करती है, लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उससे पहले एक इकोनॉमी और चलती थी जिसमें लोग टैक्स नहीं देते थे और वो ब्लैक मनी इकोनॉमी जिसको बोला जाता है, जिसमें क्या होता है लोग टैक्स नहीं देते और उस काले पैसे को घुमाते रहते हैं, उससे देश का नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट का मानना था कि अगर हम डिमोनेटाइजेशन करते हैं तो उससे जो पैरेलल इकोनॉमी हमारी चलती है, जो हमारी समांतर अर्थव्यवस्था हमारी चलती है, इसका खात्मा किया जा सकता है। नेक्स्ट है बचत की आदत। बचत की आदत बढ़ी है लोगों की जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है। लोगों ने क्या हुआ, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो उन्होंने कम पैसे में कम संसाधनों में प्रयास किया है अपने जीवन को चलाने का, अपने जीविका को उपार्जन करने का, तो इससे उनकी बचत की आदत भी बढ़ी है। तो ये हमारे कुछ डिमोनेटाइजेशन के फायदे हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है डिमोनेटाइजेशन के कुछ नुकसान भी हैं। देखिए सबसे जो बुरी तरीके से जो सेक्टर प्रभावित हुआ था डिमोनेटाइजेशन से वो था हमारा रियल इस्टेट। देखिए रियल इस्टेट में क्या होता है, रियल इस्टेट जो है हमारे GDP का करीब 11% कंट्रीब्यूशन रियल इस्टेट से आता है। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, वो कैश में इन्वेस्टमेंट करते थे, प्लॉट ले लिया, कहीं उन्होंने फ्लैट ले लिया, अब उनके पास कैश ही नहीं है तो वो कहाँ से रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो रियल इस्टेट बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है कि इसमें ग्रामीण रोजगार जो है वो भी प्रभावित हुआ। अब गांव में जो रहने वाले लोग हैं जनरली होता क्या है कि वो इतना अधिक धन नहीं कमाते हैं कि वो बैंक में जाकर उसको जमा करें, उनके पास कैश रहता है। अब उसके पास जो उनके पास कैश हुआ उस कैश का वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, और जो यूज़ नहीं कर पाएंगे और जो रियल इस्टेट में उनको जो दिहाड़ी मजदूर है वो उनको भी नौकरी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो अब जब उनके पास कैश नहीं अवेलेबल होगा तो उनके रोजगार जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे, तो ये भी डिमोनेटाइजेशन का एक हमारा नुकसान है। नेक्स्ट है कि अधिकतर नोट वापस आ गए। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करते समय बहुत ही बड़ा स्टेप था, उसमें क्या किया, 86% जो हमारे 500 और 1000 के नोट थे वो 86% थे, टोटल जो वैल्यू थी उन्हें उन्होंने डिमोनेटाइज कर दिया। अब गवर्नमेंट सोच रही थी कि ज्यादा नोट वापस नहीं आने के, गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि जो नोट बैंकों में जमा होंगे वो करीब 80% होंगे और जो 20% जो गैप बचेगा उसका गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के काम में यूज कर लेगी, लेकिन हुआ क्या, 99% जो नोट है वो बैंकिंग सेक्टर में वापस आ गए, वो करेंसी वापस आ गई। तो ज्यादातर जब नोट वापस आ गए तो लोग कहने लगे भाई इस डिमोनेटाइजेशन का फायदा ही क्या हुआ। नेक्स्ट जो हमारा नुकसान था, इसमें थोड़ी व्यवस्था की कमी रही कि इसमें लोग लाइन में खड़े रहे और उसके बाद जो है वहां पे किस तरीके से नोटों का लेन देन होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसका कोई सही सिस्टम नहीं बन पाया क्योंकि एकदम से लागू किया गया जो था प्रक्रिया थी, तो इसलिए उसमें सिस्टम नहीं बन पाया। नेक्स्ट है इंटरनेट और तकनीक की अभाव। तब देखिए जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसके पास हम देखते हैं कि ज्यादा सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती, उसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं होगा, उसको पेटीएम चलाना नहीं आता, उसको भीम UPI यूज नहीं करना आता, तो वो व्यक्ति किस तरीके से जो है डिजिटल भुगतान करे, वो नहीं कर पाएगा, तो ये भी इसका एक नुकसान रहा। नेक्स्ट है कि मंदी। हमारा जो है डिमोनेटाइजेशन के बाद में GDP की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो गई। ऑब्वियसली बात है कि जब हमने जो है चीज़ों को डिमोनेटाइज कर दिया तो क्या हुआ, हमारे पास कैश नहीं रहा और किसी भी अर्थव्यवस्था को चलने के लिए कैश फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। अब जब लोगों के रोजगार कम हुए और उनके पास कैश की कमी आई, उनका वेल्थ में गिरावट आई, तो ऑब्वियसली बात है मंदी आई, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये मंदी टेम्प्ररी है, लॉन्ग टर्म में ये जो है मंदी नहीं रहेगी, तो ये डिमोनेटाइजेशन की कुछ हानियां। तो
तो अब हम जो है हमने इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की है, फाइनली हम इन टॉपिक्स की एक बार पुनरावृत्ति करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ों को चर्चा की है। हमने देखा है कि भाई जीएसटी क्या होता है, हमने देखा जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसका जो कंसेप्ट है वो एक राष्ट्र एक टैक्स के रूप में गवर्नमेंट लाई है कि अलग अलग टैक्स जो है एक्साइज ड्यूटी है, आपका वैट है, आपका जो है मनोरंजन कर है, सबको समाप्त कर दिया, कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया और आपका एक जीएसटी को हम लेकर आ गए, जिसका लाभ ये हुआ कि उससे जो है एक देश में एक टैक्स हो गया और जो कॉम्प्लिकेशन था वो कम हो गया और जीएसटी के द्वारा जो है एट द एंड कंज्यूमर को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया, टैक्स कलेक्शन बढ़ा, तो इनपुट क्रेडिट सिस्टम आया, तो ये हमारा जीएसटी के ऊपर हमने बात की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका विमुद्रीकरण, हमने देखा है कि भाई विमुद्रीकरण क्या होता है। विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो करंट में जो करेंसी रनिंग है उस पर रोक लगा देती है, उनकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है और उसके बाद गवर्नमेंट नई करेंसी जारी करती है, तो इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। हमने देखा कि भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि विमुद्रीकरण हुआ है, इससे पहले भी भारत में 1946 में और 1978 में विमुद्रीकरण हो चुका था जब 1000, 5000 और 10000 के नोटों पर बैन लगाया गया था। विमुद्रीकरण के उद्देश्य के ऊपर हम लोगों ने बात की कि भाई विमुद्रीकरण का क्या उद्देश्य रहता है। विमुद्रीकरण का उद्देश्य रहता है कि भाई ब्लैक मनी में कमी आ जाए, विमुद्रीकरण का उद्देश्य रहता है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए, जो पैरेलल इकोनॉमी है जिसके बारे में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है उस पर रोक लग जाए, तो ये सब विमुद्रीकरण के उद्देश्य थे कि जिससे जो इकोनॉमी है वो साफ सुथरी हो जाए और जो वेलफेयर के काम है जो जिस पे गवर्नमेंट जो है अपना ध्यान आकर्षित करना चाहती है, सड़कों को बनाना और जो है विद्यालयों में जो है बच्चों की शिक्षा का विकास कराना, तो ये हमारे विमुद्रीकरण के उद्देश्य थे। अब विमुद्रीकरण की कुछ हानियां भी थी जो हमने आपको बताया कि उसमें जैसे डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो इतना ज्यादा जुड़ नहीं पाए डिजिटलाइजेशन से क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो उन लोगों को नुकसान हुआ। अब जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा नुकसान हुआ, भाई उनके पास जो है वे तो बेचारे 100-200 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाले आदमी हैं, वे कहां डिजिटलाइजेशन वाली जो प्रक्रिया है उसको अपने आप को जोड़ पाएंगे, तो वो उस चीज से नहीं जुड़ पाए, तो ये हमारा जो था थोड़ा सा इसका नुकसान भी हुआ। दूसरा जो है लॉन्ग टर्म में हमने देखा कि ये ठीक रहेगा विमुद्रीकरण, ऐसा आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमने देखा कि इसमें जीडीपी में कमी आ गई, देश में आर्थिक मंदी आ गई, तो ये भी विमुद्रीकरण का एक नुकसान था। तो आज हमने इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की है, उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक्स हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो हम आगे भी आपके सहायता में सदैव उपलब्ध रहेंगे। आपने वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।